15वीं विधानसभा का 5वां सत्र शनिवार यानी 31 अक्टूबर से एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश सरकार के लिहाज से ये खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 5वां सत्र था जिसमें तमाम राजनीति उठापटक के बाद कांग्रेस सरकार ने अपना बहुमत विधानसभा में साबित किया था। अब जिन कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़क पर उतरकर विरोध कर रही है, उसी कानून के खिलाफ अब सदन में भी कानून लाने की तैयारी में है। दरअसल शनिवार से शुरू होने वाले सत्र में पंजाब की तर्ज पर राजस्थान वो राज्य बन जाएगा जो केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए राज्य के अलग से कानून लेकर आएगा, जिससे केंद्रीय कानूनों का असर किसानों पर ना पड़े। इसी सत्र में इन तीन कृषि कानूनों के साथ ही किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया सहित 1960 में परिवर्तन कर किसान की 5 एकड़ तक की किसान भूमि को कुर्क नहीं करने का संशोधन लेकर आ रही है। वहीं इसी सत्र में मास्क को लेकर भी कानून विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। हालांकि शनिवार से शुरू होने वाले इस विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। बिलों को विधानसभा में रखने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी जिसमें इन बिलों को पास करने के लिए दिन तय किया जाएगा। संभवतः सोमवार को ये सभी बिल विधानसभा में पास कर राज्यपाल को भेज दिए जाएंगे। इन बिलों में खास तौर पर लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए तीन अलग अलग कानून लाए जाएंगे, जिनमें एक कानून समर्थन मूल्य पर खरीद का होगा, जिसमें अगर कोई समर्थन मूल्य से कम में किसान की फसल को खरीदा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान होगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 में संशोधन होगा। राजस्थान विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानून को निष्क्रिय करने के लिए कानूनों के साथ ही किसानों को लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 में संशोधन होगा। राजस्थान विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानून को निष्क्रिय करने के लिए कानूनों के साथ ही किसानों को लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 की धारा 60(1) के परंतु बी में संशोधन कर किसान की कुर्क न की जाने वाले संपत्ति में उसकी 5 एकड़ सीमा तक की जमीन को भी सम्मिलित करने का निर्णय लेगी। इस बिल के पास होने के बाद ऋणी किसान की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं की जा सकेगी। विधानसभा में कोरोना संक्रमण के चलते मास्क के इस्तेमाल को लेकर कानून भी लाया जा रहा है। अब तक सरकार जागरूकता के लिए और महामारी एक्ट के तहत लोगों को मास्क पहनने की हिदायत देती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब विधानसभा में मास्क पहनने को लेकर कानून बना दिया जाएगा जिसके बाद मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक बीएससी तय करेगी। देखिए, सारी चीजें बीएससी में तय होती है। सरकार बीएससी को निर्देशित नहीं करती क्योंकि बीएससी विधानसभा की कमेटी है और विधानसभा का सत्र कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा, बीएससी तय करेगी। उधर सरकार की तरफ से विधानसभा में बिलों को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये बिल लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इन सब पर रोक के बजाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए ये बिल लेकर आ रही है जो किसानों के हितैषी नहीं है। केंद्रीयगत कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करना प्रदेश सरकार की कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र प्रारंभ हो रहा है और एक ऐसे मामले में यह सत्र बुलाया जा रहा है जो एक तरह से संविधान के संघवाद के विरुद्ध में है। संवैधानिक परंपराओं को और संविधान में प्रदत्त अधिकार नहीं होते हुए भी राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार से जुड़े केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि व्यापार से जुड़े तीन कानून जो 24 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद देश में प्रचारित हो गए हैं, उनके निरसन के लिए ये विशेष सत्र बुला रहे हैं। बहरहाल पंजाब की तर्ज पर लाए जा रहे इन संशोधन कानूनों के मार्फत कांग्रेस सरकार अपने आप को किसानों का हितैषी साबित करने में जुटी है, लेकिन क्या प्रदेश का किसान सरकार के इन संशोधन कानूनों को अपने दिल में उतार पाता है या वो केंद्र और राज्य का टूल बनता है? कैमरामैन गिरिराज गुप्ता के साथ दशरथ सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार।
क्रांति में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ विधानसभा के सत्र में स्पेशल सत्र कॉल किया गया है और उसमें इन बिलों के खिलाफ राजस्थान अपने तरीके से बिल पास करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि राज्य अगर केंद्र के बिलों पे अपना पास नहीं रखते हैं, यानी कि उससे सहमत नहीं है, तो क्योंकि विधानसभा करेगी तो होगा क्या? क्या हमारा संविधान पे कुछ स्थितियां बनेंगी, या फिर कहें कि केंद्र और राज्य जो गैप रहेगा, या फिर दूसरे विचारधाराओं की जो सरकारें बनेंगी उसके बीच हमेशा इसी तरह का रहेगा? तो चलिए, लेकिन इस बिल अगर पास भी होता है तो उसका महत्व कितना होगा, ये बड़ा सवाल है। तो इस वक्त हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीपीएम के राजस्थान सेक्रेटरी और राजस्थान विधानसभा की लंबी पारी खेले अमरा राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा, पंजाब के बाद राजस्थान की, राजस्थान भी इस बिल पर मोहर लगाने जा रहा है, तो ये बताइए कि बिल का औचित्य और दूसरी बात वास्तव में राष्ट्रपति से पास कर पाएंगे, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के आप कैसे कानून बना देंगे? देखिए योगेंद्र जी, विधानसभा हमेशा कानून बनाने का काम तो करती है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि ये अधिकार कानून को पास करने का ही तक रहेगा कि ये कानून बन पाएगा नहीं बन पाएगा। विधानसभा में जो कानून ला रही है कांग्रेस, जो कि कल विशेष सत्र सीपी जोशी ने आहूत कर दिया है, क्योंकि अभी तक राज्यपाल ने सदन ये वाला सत्र सत्रावसन नहीं किया था, इसलिए राज्यपाल तक ये फाइल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इनको यहीं की यहीं अपना। और देखिए विधानसभा अध्यक्ष को भी देखिए, बड़ा आराम से पार्टी का काम कर रहे हैं वो निष्पक्षता का काम नहीं कर रहे। उनको कहा गया कैबिनेट में कि हम तो एक बहुत आवश्यक काम करना चाहते हैं और विधायक इसके बिना हमारे राज्य में कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप विधानसभा में बिल्कुल आइए और चर्चा कीजिए और करिए, लेकिन हम पीछे रह गए। पंजाब हमारे आगे चला गया, छत्तीसगढ़ पहले कर गया, हम तीसरे नंबर पे रह गए, आप चौथे नंबर एक और इनका स्टेट वहां करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति विधानसभा करेगी तो निश्चित रूप से सवाल तो उठ ही गए, विपक्ष भी उठाएगा और बाकी लोग भी उठाएंगे, क्योंकि हरिमोहन जी इस बात को बिल्कुल बताएंगे कि विधानसभा में राजनीति करने के लिए विधानसभा है क्या? अगर राजनीति करने के लिए विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठेगा कि क्योंकि आप किसके कहने पर ला रहे हो, कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के कहने पर आप ला रहे हो, आपको ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी और कहना चाहिए था किस तरह का बिल आ रहा है। अब बिल कल पेश होगा, क्योंकि आज तो अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि बिल में क्या क्या होगा, क्या प्रावधान कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एमएसपी को ये लाना चाहते हैं और एमएसपी में भी देखिएगा कि राजस्थान में उत्पादन होता है गेहूं का ज्यादा, तो एमएसपी गेहूं वाले को करेंगे, बाकी को से करेंगे, मक्का को करेंगे, बाजरे को करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मक्का और बाजरा एमएसपी डिक्लेयर होने के बाद भी किसान को उसका पर्याप्त मूल्य अभी भी नहीं मिल पाता, क्योंकि हरिमोहन जी और स्पष्ट करेंगे क्या, और इनके इनके क्षेत्र में तो चावल भी पैदा होता है, क्या चावल का भी एमएसपी मूल्य मिलेगा ये भी तय करेंगे क्या? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बिल आने के बाद बहुत सारे खुलासे होंगे। बीजेपी ने भी कल उनके विधायक दल की बैठक नापक्ष लोगों बुलाई है और वो कह रहे हैं कि हम तो सड़कों पर विरोध कर रहे थे इसका, और हमारा अभियान इस सत्र के में जब किस तरह की चर्चा हो जाएगी तो हमारा विघटन हो जाएगा। और कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है कि हमारा सड़कों पर अभियान था और उसके बाद हम विधानसभा में इसको ला करके राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति कर देंगे, कहेंगे कि देखिए सोनिया गांधी ने कहा था, हमने चर्चा की। आपके पास वापस आ रहा हूँ सर, आप वापस आपके पास आऊंगा, हरिमोहन शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। हरिमोहन जी आ रहा हूं मैं, जैसे शाम जी ने सवाल खड़ा किया अभी कि ये तो सोनिया गांधी जी ने सवाल उठाया तो कांग्रेस ने सबने विरोध किया और उसी एजेंडे के तहत राजस्थान में भी इस बिल को पास किया जा रहा है केंद्र के बिल के खिलाफ, लेकिन जो चाह रहे थे वो मकसद हल नहीं हो पा रहा है राजस्थान में, क्योंकि या तो सबसे पहले लेकर के आते उसमें भी कहीं ना कहीं चूक हो गई, ये श्याम जी का कहना है जी, क्या माने इसे? हरिमोहन शर्मा साहब सुन रहे हैं जी, आपको सवाल है भाई, बहुत धीमी है जी, आप मेरे को सुन रहे हैं?
सोनिया गांधी के बीपी आवाज आ रही नहीं आ रही मेरा आगे क्या देखो हरिमोहन जी मेरा से आप मुझे सुन पा रहे हैं हाय राजस्थान विधानसभा में जी जी राजस्थान विधान अरे आवाज नहीं आ रही सर आप मेरे को एक बार सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए श्याम सुंदर शर्मा साहब ने कहा कि सोनिया गांधी जी ने विरोध किया पूरी कांग्रेस ने विरोध किया पंजाब के बाद राजस्थान इस बिल के खिलाफ यहाँ पे हाउस से एक बिल पास कराए जिसमें एमएसपी की बाध्यता खरीदने पर और जो अधिकार होगा जो उस बिल में नहीं था वो लेकर के जुडिशियल राइट तो दिया जाएगा उसको लेकर चर्चा की जाएगी तो वास्तव में कांग्रेस आला कमान की पूर्ति के लिए कर रहे हैं फिर बात सवाल उठ रहा है इसके जी या राजस्थान सरकार ने केंद्र जी ने जो कृषि बिल बनाया किसी जो एक्ट बनाया उस एक्ट के कुछ प्रावधानों से पूरे ही देश के किसान विचलित हो रहे हैं आपने देखा होगा तो पंजाब हरियाणा राजस्थान मध्य प्रदेश अनेक स्थानों पर किसानों ने भरपूर प्रदर्शन किया है उनकी जो मूल समस्याओं के समाधान में राजस्थान सरकार ने भी ये फैसला किया है कि उस कानून के अंतर्गत जो किसानों को परेशानी होने वाली है और उसके लिए क्या संशोधन किए जा सकते हैं तो चार अमेंडमेंट बिल अलग अलग उसके तहत उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में रखे हैं इसके तहत ये अपराध माना जाएगा कि अगर मैंने अगर कंपनी एग्रीमेंट करती है या उनसे किसी भी प्रकार का सौदा करती है तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा है ताकि किसान को अपने उपज का पूरा मूल्य मिले और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर रही है भारत सरकार तो भारत सरकार जो तय करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी अनुपालना कराने का काम राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार और जहां जहां भी कांग्रेस की या हम सब लोग जो एक विचारधारा के जहां जहां भी उनकी सरकार है वो उन कानूनों में संशोधन करके किसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है और इसी प्रकार से जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत जो होर्डिंग का उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया और जो जिस प्रकार की अव्यवस्था बड़े बड़े धन्ना सेठ कृषि उपज को और एसेंशियल कमोडिटीज को एकत्रित करके अपने पास रख लेंगे और उस पर कोई कानूनी प्रावधान न होगा तो गरीब लोग जो इस देश में निवास करते हैं करोड़ों की संख्या में उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो उनको भारी नुकसान होगा और एक मोनोपोली के हिसाब से उनको प्राइस तय करना पड़ेगा इसी के साथ वो ठीक है चलिए लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूँ यहाँ पे अभी श्याम सुंदर शर्मा साहब ने एक सवाल खड़ा किया है कि ये सारा जो कवायद की जा रही है किसान के हित की बात की जा रही है या फिर कांग्रेस अपने एजेंडे पे काम कर रही है नहीं कांग्रेस अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रही है कांग्रेस अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रही कांग्रेस तो केवल किसानों को राहत देने के एजेंडे पर काम कर रही है उसका जो ऑब्जेक्ट है अपना एजेंडा भी वही है जो इस समान विचारधारा के जितने भी राजनीतिक दल है और जो राजनीतिक दलों ने इस केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध किया और किसान जागृत हुए किसान एकत्रित होकर के आंदोलन किया उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का है इसमें कांग्रेस का दृष्टिकोण ये है कि किसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए अब इस दृष्टिकोण को कोई पॉलिटिकल दृष्टिकोण माने तो ये उनकी मर्जी का सवाल है हमारा उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य तो केवल मात्र किसानों के राइट्स को सुरक्षित करने का और आम जन के राइट्स को सुरक्षित करने का है राजस्थान के विधानसभा में बिल पेश किया जा रहा है और क्योंकि बहुमत तो इस बिल में केंद्र सरकार वाला बिल है उससे अलग किसानों की राय है कुछ ही कि हाँ राजस्थान सरकार चलिए राहत दे रही है या फिर बिल्कुल राहत देनी चाहिए स्वागत योग्य है तो आम भी
आशीष साहब जी है जी। हाँ ऐसा है कि देश का किसान जिस तरह से सरकार की किसान विरोधी नीतियों से त्रस्त है और उसमें आग में घी डालने का काम तीन कृषि कानून ला करके देश की सरकार ने किसानों को और किसान को और आम उपभोक्ता को और व्यापारी तीनों को मारने का जो काम किया है, इसके खिलाफ निश्चित रूप से न केवल आंदोलन हो रहा है बल्कि वैकल्पिक कानून भी केरल की विधानसभा ने पास किया है। अभी 16 जो सब्जियां केरल में पैदा होती है उनका लागत से 20 गुनी कीमत उन्होंने तय की है, उससे नीचे कोई सब्जी बिकेगी तो केरल की सरकार उसको खरीदेगी और खरीदने के बाद आम उपभोक्ता को भी सस्ते में वापस बेचेगी, किसान भी बचेगा और आम उपभोक्ता भी इस लूट से बचेगा। और आपको यह सुन के आश्चर्य होगा कि जो MSP चावल की जो MSP है उससे 950 रुपया प्रति क्विंटल केरल की सरकार देती है और आज भी 14 वस्तुएं PDS में केवल और केवल केरल की सरकार है जो केंद्र केवल चावल देता है लेकिन वहां की सरकार काम करती है न केवल वो करते हैं बल्कि जितने पब्लिक सेक्टर थे वो सब के सब आज की तारीख में मुनाफे में। तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने जो देश के किसान को व्यापारी को और आम उपभोक्ता को लूटने की जो छूट कंपनियों को दी है, मैं समझता हूँ राजस्थान की सरकार अगर बिल लेके आती है और जो MSP जो हमारी देश की सरकार कह रही है कि MSP जारी रहेगी तो ये कानून राजस्थान की सरकार बनाती है कि जिनकी केंद्र सरकार ने MSP घोषित कर रखी है राज्य सरकार से। अमराराम जी सवाल ये है कि क्या इस कानून को वह अमली जामा पहनाया जा सके, राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक जाएगा जब नहीं जाए जी ऐसा तो नहीं बनाया जा सकता। विधानसभा भी कानून बनाती है और देश की संसद भी कानून बनाती है और देश का संविधान इस बात का है कि कृषि पे राज्य सरकारों का राइट है, केंद्र भी कानून बना सकता है लेकिन राज्य भी कानून बना सकता है। इसमें का मनाई है कि राजस्थान की या किसी भी देश की प्रांत की विधानसभा कानून नहीं बना सकती खेती के लिए। मैं लौटूंगा आपके पास। जमीन के लिए सीलिंग कानून सब राज्य सरकारों का ही बनाए हुए हैं। सीलिंग कानून है जमीन से संबंधित है, खेती से संबंधित है, MSP से संबंधित कानून देश की सरकार ने बनाया है। मैं वापस आता है कि कानून नहीं बना सकते जी। वापस आऊंगा आपके पास में, श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी आपके पास आना चाह रहा हूँ एक बार में फिर। कानून बनाया जा सकता है, ये बात सही है कि जो अनुसूची है राज्यों को जो राइट देती है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिया हुआ है उसी तरह से कृषि राज्यों का विषय है, लेकिन उसमें यह भी है कि कृषि के लिए केंद्र भी अपना कानून बना सकती है, दोनों बना सकते हैं उसमें। तो ये अगर बाध्य करके अगर एक कानून बना दिया जाता है, जैसे चार राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं कि केरल, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, अभी तक तो यही है जहां पे कांग्रेस का अलायंस है वो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तो ऐसे में केंद्र को क्या वास्तव में बाध्य होना पड़ेगा अपने इस बिल को वापस लेने के लिए या फिर इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए? देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान सरकार कानून बनाएगी लेकिन उस कानून की वैधता जब होगी जब उसमें राष्ट्रपति साइन कर देंगे, क्योंकि अभी तो हम प्रारंभिक तौर पर हैं। अभी देखिएगा अमराराम जी खुद कह रहे थे कि केरल ने एक प्रावधान किया है कि अगर सब्जियों का उनको लागत नहीं मिलेगी तो सरकार खरीदेगी, या चावल का MSP नहीं मिल पाती है तो 950 रुपए सरकार देती है। तो राजस्थान सरकार भी फिर प्रावधान करे कि गेहूं अगर सही नहीं बिकेगा, कम बिकेगा तो हम उसका पैसा देंगे। यही तो कह रहे MSP पे हम खरीदेंगे, MSP पे अगर राजस्थान सरकार खरीदने के लिए तैयार हो जाती है फिर मक्का भी खरीदे, बाजरा भी खरीदे। ये बहुत सारी चीजें पेचीदगियां है। अब देखिए कानून में आप चर्चा करेंगे। श्याम सुंदर जी, अभी MSP बाजरे की 2250 है और 1100 में बिक रहा है, न मोदी खरीद रहा और न गहलोत खरीद रहा,
मैं तो अमरा राम जी खरीदने का काम लेकिन राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव भी नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ केंद्र सरकार केवल एमएसपी घोषित करती है, आप खरीदे नहीं खरीदे कोई जरूरी थोड़ी ना, ये ये यही तो चीज है दोनों के, अब दोनों के बीच दोनों के बीच विवाद है। देखिए आप समझौता नहीं है तो दोनों के बीच विवाद हो जाएगा, बाजरे का करेगी क्या केंद्र सरकार, दिक्कत यहाँ आ रही है। फूड प्रोसेसिंग का मामला अभी अटकता है क्योंकि उसका उसका उपयोग किस प्रकार से हो, ये दिक्कत की स्थिति है। मक्का और बाजरा फेंकने के लिए, श्याम सुंदर जी बाजरा फेंकने के लिए पैदा नहीं होता, बाजरा लोग खाते भी हैं, मुर्गी में भी काम आता है। और सुनो आप, अभी 4 महीने पहले 2200 बिक रहा था, ये नहीं है कि बिकता नहीं। अरे आप तो 2200 की बात करो, अगर फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लग जाए राजस्थान में, उसको अगर अगर प्रोटीन के मात्रा में सही तरीके का उपयोग शुरू हो जाए तो 2200 की जगह हो सकता हो कि 2400 में और 2600 में भी खरीदा जाए। ये चीजें क्या है कि आपकी विवाद के विषय तो यही है कि केंद्र सरकार अपनी चलाएगी, राज्य सरकार अपनी चलाएगी। अब केंद्र सरकार ने 3 बिल पारित कर दिए पार्लियामेंट में, अब आपको होश आ रहा है कि भाई हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, कांग्रेस ने उठाया था मामला लेकिन बने ही नहीं बात, इसलिए हम अपने अपने राज्य सरकारों कह रहे हैं कि आप देखिए सड़कों पे तो विरोध कर रहे हो, विधानसभा में इसका सामूहिक रूप से विरोध करके प्रकट करो कि हम नहीं चाहते। कल बीजेपी भी तो आप वहां पे खड़ी है, बीजेपी तो कहेगी क्योंकि आप तो कांग्रेस अलायंस के साथ हो इसलिए आप कांग्रेस की बात अभी समर्थन कर रहे हो, अगर बीजेपी के साथ होते तो बीजेपी की बात आप देखिएगा। श्याम सुंदर जी अगर अगर बाजरा 2200 बाद मोदी खरीदता है तो धन्यवाद दूंगा मैं कांग्रेस कांग्रेस अगर बाजरा राजस्थान का 25% भी खरीदते हैं ना तो धन्यवाद दूंगा, अलायंस की बात नहीं है, कोई अच्छा काम करेगा तो धन्यवाद। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कल कल जब ये कहे कि सरकार बाजरा भी खरीदेगी, मक्का भी खरीदेगी, चावल भी खरीदेगी, हरिमोहन जी के पास जाना चाहूंगा, हरिमोहन जी आपके पास आ रहा हूँ, कोर्ट में जाए फिर विधानसभा में करके क्या करेगी। चलिए मैं हरिमोहन जी के पास जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है, हरिमोहन जी आपके पास आ रहा हूँ मैं एक बार। क्या लगता है आपको, जैसे श्याम जी अभी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं और एमएसपी आप बाध्य तो कर देंगे कि इससे नीचे नहीं खरीदेंगे, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि कोई कहेगा कि नहीं एमएसपी भी मुझे खरीदना नहीं है, मेरे नहीं पोषाएगा इतना। अभी जैसे अमरा राम जी कह रहे हैं कि 2200 रुपए एमएसपी है और 1100 में बाजरा बिक रहा है, ऐसी पोजिशन में क्या होगा कि व्यापारी अपने हाथ नहीं कटवाना चाहेगा, वो कानून के सिकंजे में नहीं जाना चाहेगा, फिर उस क्रॉप का क्या होगा, उसकी गारंटी सरकार लेगी या बिल में दे रहे हैं ये। अगर एमएसपी तय की है भारत सरकार ने और उस सरकार ने जो तय की है तो भारत सरकार को उस रेट के हिसाब से उनको खरीदना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि संभव ना हो कि पूरे देश में जितनी भी पैदावार हुई उसको खरीद पाए, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो उसमें संशोधन किया है वो संशोधन यही तो है कि कोई भी कॉरपोरेट कोई भी संस्था किसी भी प्रकार का अगर एग्रीमेंट वो करती है तो उसको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से ही कम कीमत नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो एग्रीमेंट मत करो। तो जो एग्रीमेंट का जो सवाल है उसमें तो ये प्रतिबंध है और उन्होंने ये भी कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अगर कम में कोई खरीदेगा तो ऑफेंस होगा, या एग्रीमेंट किसी ने किया है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में एग्रीमेंट किया तो भी वो ऑफेंस होगा। तो सरकार ने राजस्थान की सरकार ने जो कानून में जो संशोधन किया है वो केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी जो तय की जाती है उस तय की हुई रेट से कम नहीं खरीदने को अपराध माना है। तो या तो अपने रेट को जो भी करना है वो भारत सरकार करे, भारत सरकार खुद इस बात से तैयार नहीं है उन कानूनों में। उसी पर एग्रीमेंट होगा तो ये कर देना, जब उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस भारत सरकार तय कर रही है तो उनको अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उसको खरीदना भी चाहिए, और वो नहीं खरीदने का प्रावधान है उसी का विरोध है, नहीं खरीदने का जो प्रावधान किया है उसी का तो विरोध है सड़क पर।
जी चले, एक अमराराम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं, अमराराम के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं। अमराराम जी एक एक बड़ा पेच है इसमें भी, जैसे मैं डिबेट सुन रहा था पार्लियामेंट की भी, कि अगर एमएसपी तय किया हुआ है, एमएसपी पे आज भी मुझे लगता है कि दहाई का आंकड़ा भी कई क्रॉप तो ऐसी है कि जिसमें छू नहीं पाए, खासकर राजस्थान से बाजरे की बात कर लीजिए आप, और दूसरी फसलें भी नहीं खरीद पाते हैं, ऐसे में होगा क्या एमएसपी से नीचे अगर कानूनन अगर खरीदेंगे आप तो जो राज्य सरकारें लेके आ रही हैं तो व्यापारी उसमें फंसता है, तो फिर होगा क्या वो फसल नहीं बिकेगी? ऐसा है योगेंद्र जी, देश में हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में आए नरेंद्र मोदी जी, और आते ही सांत्वना कुमार कमेटी बैठाई थी कि न एमएसपी पे खरीदना पड़े और न राशन में बांटना पड़े। गरीब को तो ये कहें कि अभी राशन में सड़ा गड़ा आता है, इसलिए आप अपनी मर्जी से फार्मी गेहूं खरीदिए। और उस कमेटी का मतलब भी जब टर्म कंडीशन शांतनु कुमार कमेटी की यही थी कि न खरीदना पड़े और न बांटना पड़े, नगद दे देंगे। इसका मतलब है कि पूरा व्यापार खाद्यान्न का और आवश्यक वस्तुओं का, जो हमारे खाद्यान्न ये जो आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून था, इसमें जितने 130 करोड़ लोगों के जिंदा रहने के लिए जो चीजें हैं जिनका व्यापार खुले रूप से बड़ी बड़ी कंपनियां किसान को खरीदते वक्त लूटे हैं और आम उपभोक्ता को वापस देते वक्त लूटे हैं, और बहुत बड़ी लूट, मतलब 6 महीने में आप जितना पैसा लगाओगे उससे ज्यादा लूट हो जाएगी, इससे बड़ी लूट का आधार नहीं हो सकता। इसलिए शांतनु कुमार कमेटी इसलिए बैठाई थी और उसी के आधार पे कानून। आप बताइए कोरोना में ऐसा कौन सा, कोरोना के लिए तो नहीं ले गए ये अध्यादेश ऐसी इतनी जल्दी क्या थी? और जब किसान वो कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में, तो कौन सा किसान संगठन है इस देश में किसानों के संगठन है, किस संगठन ने ये मांग की थी? जी जी चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए मैं पूरी अगर बात करना चाहें, हमने बीजेपी को भी कॉल किया था, बीजेपी ने जैसे विरोध की बात कही है, विधायक दल की बैठक में भी ये बात सारी की गई है। विरोध तो, कर सकते किसानों की दुश्मन है वो, तो इससे ज्यादा बुरा कानून और क्या होगा देश में? तो ये बनाने जा रही है राज्य सरकार, अब वो किस तरह से रहेगा, क्या रूप रहेगा, वो तमाम जो चीजें हैं हाउस में आने के बाद में उस पर और हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये चर्चा को हम विराम देंगे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। कुशल भारत की पहचान बन रहा है राजस्थान। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित और RSLDC के संयुक्त तत्वाधान में राजस्थान का अग्रणी स्किल सेंटर कंप्यूकॉम फाउंडेशन दे रहा है एक सुनहरा मौका। जी हाँ, निशुल्क ट्रेनिंग के साथ निशुल्क भोजन और रहने की उत्तम व्यवस्था, हाईली क्वालिफाइड ट्रेनर्स और वेल इक्विप्ड लैब्स में पाएं अनेक स्किल बेस्ड प्रोग्राम का प्रशिक्षण और पाएं रोजगार के बेहतरीन अवसर। तो आज ही कॉल करें कंप्यूकॉम फाउंडेशन, टोल फ्री नंबर 9314601111। सुरक्षित स्वर्णिम भविष्य की बात कंप्यूकॉम फाउंडेशन के साथ।
15वीं विधानसभा का पांचवा सत्र शनिवार यानी 31 अक्टूबर से एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। प्रदेश सरकार के लिहाज से ये खासा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पांचवा सत्र था जिसमें तमाम राजनीति उठापटक के बाद कांग्रेस सरकार ने अपना बहुमत विधानसभा में साबित किया था। अब जिन कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी पूरे देश में सड़क पर उतर कर विरोध कर रही है, उसी कानून के खिलाफ अब सदन में भी कानून लाने की तैयारी में है। दरअसल शनिवार से शुरू होने वाले सत्र में पंजाब की तर्ज पर राजस्थान वो राज्य बन जाएगा जो केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए राज्य के अलग से कानून लेकर आएगा, जिससे केंद्रीय कानूनों का असर किसानों पर ना पड़े। इसी सत्र में इन तीन कृषि कानूनों के साथ ही किसानों के हितों को संरक्षित करने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया सहित 1960 में परिवर्तन कर किसान की 5 एकड़ तक की किसान भूमि को कुर्क नहीं करने का संशोधन लेकर आ रही है। वहीं इसी सत्र में मास्क को लेकर भी कानून विधानसभा सत्र में लाया जाएगा। हालांकि शनिवार से शुरू होने वाले इस विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। बिलों को विधानसभा में रखने के बाद कार्य सलाहकार समिति की बैठक होगी जिसमें इन बिलों को पास करने के लिए दिन तय किया जाएगा। संभवतः सोमवार को ये सभी बिल विधानसभा में पास कर राज्यपाल को भेज दिए जाएंगे। इन बिलों में खास तौर पर लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निष्क्रिय करने के लिए तीन अलग अलग कानून लाए जाएंगे, जिनमें एक कानून समर्थन मूल्य पर खरीद का होगा, जिसमें अगर कोई समर्थन मूल्य से कम में किसान की फसल को खरीदा है तो उस पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान होगा। दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 में संशोधन होगा। राजस्थान विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानून को निष्क्रिय करने के लिए कानूनों के साथ ही किसानों को लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 में संशोधन होगा। राजस्थान विधानसभा में केंद्रीय कृषि कानून को निष्क्रिय करने के लिए कानूनों के साथ ही किसानों को लाभ देने के लिए राजस्थान सरकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1960 की धारा 60(1) के परंतु बी में संशोधन कर किसान की कुर्क न की जाने वाले संपत्ति में उसकी 5 एकड़ सीमा तक की जमीन को भी सम्मिलित करने का निर्णय लेगी। इस बिल के पास होने के बाद ऋणी किसान की 5 एकड़ तक की कृषि भूमि कुर्क नहीं की जा सकेगी। विधानसभा में कोरोना संक्रमण के चलते मास्क के इस्तेमाल को लेकर कानून भी लाया जा रहा है। अब तक सरकार जागरूकता के लिए और महामारी एक्ट के तहत लोगों को मास्क पहनने की हिदायत देती दिखाई दे रही थी, लेकिन अब विधानसभा में मास्क पहनने को लेकर कानून बना दिया जाएगा, जिसके बाद मास्क नहीं पहनने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी तक बीएससी तय करेगी। देखिए, सारी चीजें बीएससी में तय होती है, सरकार बीएससी को निर्देशित नहीं करती, क्योंकि बीएससी विधानसभा की कमेटी है और विधानसभा का सत्र कितने दिन चलेगा, क्या चलेगा, बीएससी तय करेगी। उधर सरकार की तरफ से विधानसभा में बिलों को लेकर बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये बिल लाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं,
लेकिन सरकार इन सब पर रोक के बजाय राहुल गांधी और सोनिया गांधी को खुश करने के लिए ये बिल लेकर आ रही है, जो किसानों के हितैषी नहीं है। केंद्रीय गत कानूनों के प्रावधानों में संशोधन करना प्रदेश सरकार के कार्य क्षेत्र के बाहर की बात है। राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र प्रारंभ हो रहा है और एक ऐसे मामले में यह सत्र बुलाया जा रहा है जो एक तरह से संविधान के संघवाद के विरुद्ध में है। संवैधानिक परंपराओं को और संविधान में प्रदत्त अधिकार नहीं होते हुए भी राजस्थान की सरकार केंद्र सरकार से जुड़े केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि व्यापार से जुड़े तीन कानून जो 24 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर के बाद देश में प्रचारित हो गए हैं, उनके निरसन के लिए ये विशेष सत्र बुला रहे हैं। बहरहाल पंजाब की तर्ज पर लाए जा रहे इन संशोधन कानूनों के मार्फत कांग्रेस सरकार अपने आप को किसानों का हितैषी साबित करने में जुटी है, लेकिन क्या प्रदेश का किसान सरकार के इन संशोधन कानूनों को अपने दिल में उतार पाता है या वो केंद्र और राज्य का टूल बनता है? कैमरामैन गिरिराज गुप्ता के साथ दशरथ सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार जनती, मैं स्वागत है आपका। मैं हूँ योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे पंजाब के बाद अब राजस्थान में भी केंद्र के कृषि बिलों के खिलाफ विधानसभा के सत्र में स्पेशल सत्र कॉल किया गया है और उसमें इन बिलों के खिलाफ राजस्थान अपने तरीके से बिल पास करेगा। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि राज्य अगर केंद्र के बिलों पे अपना साथ नहीं रखते हैं, यानी कि उससे सहमत नहीं है, तो क्योंकि विधानसभा का किससे करेगी तो होगा क्या? क्या हमारा संविधान पे कुछ स्थितियां बनेंगी, या फिर कहें कि केंद्र और राज्य जो गैप रहेगा, या फिर दूसरे विचारधाराओं की जो सरकारें बनेंगी उसके बीच हमेशा इसी तरह का रहेगा? तो चलिए, लेकिन बिल अगर पास भी होता है तो उसका महत्व कितना होगा, ये बड़ा सवाल है। तो इस वक्त हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, पूर्व मंत्री हरिमोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीपीएम के राजस्थान सेक्रेटरी और राजस्थान विधानसभा की लंबी पारी खेले अमरा राम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी का स्वागत है। मैं श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। पंजाब के बाद राजस्थान भी इस बिल पर मोहर लगाने जा रहा है, तो ये बताइए कि बिल का औचित्य और दूसरी बात असल में राष्ट्रपति से पास कर पाएंगे, क्योंकि बिना राष्ट्रपति के आप कैसे कानून बना देंगे? देखिए योगेंद्र जी, विधानसभा हमेशा कानून बनाने का काम तो करती है, लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि ये अधिकार कानून को पास करने का ही तक रहेगा कि ये कानून बन पाएगा नहीं बन पाएगा। विधानसभा में जो कानून ला रही है कांग्रेस, जो कि कल विशेष सत्र सीपी जोशी ने आहूत कर दिया है, क्योंकि अभी तक राज्यपाल ने सदन ये वाला सत्र सत्रावसन नहीं किया था, इसलिए राज्यपाल तक फाइल जाने की जरूरत नहीं पड़ी, इनको यही कि यही अपना। और देखिए विधानसभा अध्यक्ष को भी देखिए, बड़ा आराम से पार्टी का काम कर रहे हैं वो निष्पक्षता का काम नहीं कर रहे। उनको कहा गया कैबिनेट में कि हम तो एक बहुत आवश्यक काम करना चाहते हैं और विधायक इसके बिना हमारे राज्य में कोई काम नहीं चलेगा, क्योंकि सोनिया गांधी जी ने कहा कि आप विधानसभा में बिल्कुल आइए और चर्चा कीजिए और करिए, लेकिन हम पीछे रह गए। पंजाब हमारे आगे चला गया, छत्तीसगढ़ पहले कर गया, हम तीसरे नंबर पर रह गए, आप चौथे नंबर एक और है इनका स्टेट वहां करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति विधानसभा करेगी तो निश्चित रूप से सवाल तो उठेंगे, विपक्ष भी उठाएगा और बाकी लोग भी उठाएंगे, क्योंकि हरिमोहन जी इस बात को बिल्कुल बताएंगे कि विधानसभा में राजनीति करने के लिए विधानसभा है क्या? अगर राजनीति करने के लिए विधानसभा और विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह भी उठेगा कि क्योंकि आप किसके कहने पर ला रहे हो, कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी के कहने पर आप ला रहे हो, आपको ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए थी और कहना चाहिए था इस तरह का बिल आ रहा है। अब बिल कल पेश होगा, क्योंकि आज तो अभी कुछ हम कह नहीं सकते कि बिल में क्या क्या होगा, क्या प्रावधान कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन एमएसपी को ये लाना चाहते हैं और एमएसपी में भी देखेगा कि राजस्थान में उत्पादन होता है गेहूं का ज्यादा, तो एमएसपी गेहूं वाले को करेंगे, बाकी को करेंगे, मक्का को करेंगे, बाजरे को करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मक्का और बाजरे
एमएसपी डिक्लेयर होने के बाद भी किसान को उसका पर्याप्त मूल्य अभी भी नहीं मिल पाता, क्योंकि हरिमोहन जी और स्पष्ट करेंगे क्या, और इनके इनके क्षेत्र में तो चावल भी पैदा होता है, क्या चावल का भी एमएसपी मूल्य मिलेगा ये भी तय करेंगे क्या? तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बिल आने के बाद बहुत सारे खुलासे होंगे। बीजेपी ने भी कल उनके विधायक दल की बैठक हाँ पक्ष नापक्ष लोगों बुलाई है और वो कह रहे हैं कि हम तो सड़कों पर विरोध कर रहे थे इसका, और हमारा अभियान इस सत्र के में जब किस तरह की चर्चा हो जाएगी तो हमारा विघटन हो जाएगा। और कांग्रेस दूसरी तरफ कह रही है कि हमारा सड़कों पर अभियान था और उसके बाद हम विधानसभा में इसको ला करके राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति कर देंगे, कहेंगे कि देखिए सोनिया गांधी ने कहा था, हमने चर्चा की। वापस आ रहा हूँ सर, आप वापस आपके पास आऊंगा, हरिमोहन शर्मा साहब के पास जाना चाहूंगा एक बार। हरिमोहन जी आ रहा हूँ मैं, जैसे चांद के लिए सवाल खड़ा किया अभी कि ये तो सोनिया गांधी ने सवाल उठाया तो कांग्रेस ने सबने विरोध किया और उसी एजेंडे के तहत राजस्थान में भी इस बिल को पास किया जा रहा है केंद्र के बिल के खिलाफ, लेकिन जो चाह रहे थे वो मकसद हल नहीं हो पा रहा है राजस्थान में, क्योंकि या तो सबसे पहले लेकर के आते उसमें भी कहीं ना कहीं चूक हो गई, ये श्याम जी का कहना है। जी क्या माने इसे? जी हरिमोहन शर्मा साहब सुन रहे मुझे, आपको सवाल है भाई, बहुत धीमी है यार। जी आप मेरे को सुन रहे हैं? सोनिया गांधी के पीपी आवाज आ रही नहीं आ रही? मेरा आगे क्या देखो हरिमोहन जी, मेरा से आप मुझे सुन पा रहे हैं? राजस्थान विधानसभा में जी, राजस्थान विधान, अरे आवाज नहीं आ रही सर, आप मेरे को एक बार सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए। श्याम सुंदर शर्मा साहब ने कहा कि सोनिया गांधी जी ने विरोध किया, पूरी कांग्रेस ने विरोध किया, पंजाब के बाद राजस्थान इस बिल के खिलाफ यहाँ पे हाउस से एक बिल पास कराए जिसमें एमएसपी की बाध्यता खरीदने पर और जो अधिकार होगा जो उस बिल में नहीं था वो लेकर के जुडिशियल राइट दिया जाएगा, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। तो कांग्रेस आलाकमान पूर्ति के लिए कर रहे हैं, फिर बात एक सवाल उठ रहा है इसके। जी क्या राजस्थान सरकार ने, केंद्र जी ने जो कृषि बिल बनाया, कृषि जो एक्ट बनाया, उस एक्ट के कुछ प्रावधानों से पूरे ही देश के किसान विचलित हो रहे हैं? आपने देखा होगा तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश अनेक स्थानों पर किसानों ने भरपूर प्रदर्शन किया है। उनकी जो मूल समस्याओं के समाधान में राजस्थान सरकार ने भी ये फैसला किया है कि उस कानून के अंतर्गत जो किसानों को परेशानी होने वाली है और उसके लिए क्या संशोधन किए जा सकते हैं, तो चार अमेंडमेंट बिल अलग अलग उसके तहत उन्होंने राजस्थान की विधानसभा में रखे हैं। इसके तहत ये अपराध माना जाएगा कि अगर मैंने अगर कंपनी एग्रीमेंट करती है या उनसे किसी भी प्रकार का सौदा करती है तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा है, ताकि किसान को अपने उपज का पूरा मूल्य मिले और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर रही है भारत सरकार, तो भारत सरकार जो तय करेगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसकी अनुपालना कराने का काम राजस्थान सरकार और पंजाब सरकार और जहां जहां भी कांग्रेस की या हम सब लोग जो एक विचारधारा के जहां जहां भी उनकी सरकार है वो उन कानूनों में संशोधन करके किसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है। और इसी प्रकार से जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंतर्गत जो होर्डिंग का उन्होंने बिल्कुल फ्री कर दिया और जो जिस प्रकार की अव्यवस्था बड़े बड़े धन्ना सेठ कृषि उपज को और मैं एसेंशियल कॉमोडिटीज को एकत्रित करके अपने पास रख लेंगे और उस पर कोई कानूनी प्रावधान न होगा तो गरीब लोग जो इस देश में निवास करते हैं करोड़ों की संख्या में उनको आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं किया जाएगा तो उनको भारी नुकसान होगा और एक मोनोपोली के हिसाब से उनको प्राइस तय करना पड़ेगा। इसी के साथ वो ठीक है
चलिए, लेकिन मैं एक बात जानना चाह रहा हूं यहाँ पे। अभी श्याम सुंदर शर्मा साहब ने एक सवाल खड़ा किया है कि ये सारा जो कवायद की जा रही है, किसान के हित की बात की जा रही है या फिर कांग्रेस अपने एजेंडे पे काम कर रही है? नहीं, कांग्रेस अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रही है। कांग्रेस अपने एजेंडे पे काम नहीं कर रही है। कांग्रेस तो केवल किसानों को राहत देने के एजेंडे पर काम कर रही है। उसका जो ऑब्जेक्ट है, अपना एजेंडा भी वही है जो इस समान विचारधारा के जितने भी राजनीतिक दल है, और जो राजनीतिक दलों ने इस केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का विरोध किया और किसान जागृत हुए, किसान एकत्रित होकर के आंदोलन किया, उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करने का है। इसमें कांग्रेस का दृष्टिकोण ये है कि किसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अब इस दृष्टिकोण को कोई पॉलिटिकल दृष्टिकोण माने तो ये उनकी मर्जी का सवाल है। हमारा उद्देश्य, कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य तो केवल मात्र किसानों के राइट्स को सुरक्षित करने का और आम जन के राइट्स को सुरक्षित करने का है। राम जी के पास जाना चाहूंगा एक बार। अमराराम जी, आपके पास जा रहा हूं मैं। राजस्थान के विधानसभा में बिल पेश किया जा रहा है और क्योंकि बहुमत, तो इस बिल में केंद्र सरकार वाला बिल है उससे अलग किसानों की राय है कुछ ही कि हाँ राजस्थान सरकार चलिए राहत दे रही है या फिर? बिल्कुल राहत देनी चाहिए, स्वागत योग्य है। ऐसा है कि देश का किसान जिस तरह से सरकार की किसान विरोधी नीतियों से त्रस्त है और उसमें आग में घी डालने का काम तीन कृषि कानून ला करके देश की सरकार ने किसानों को और किसान को और आम उपभोक्ता को और व्यापारी तीनों को मारने का जो काम किया है, इसके खिलाफ निश्चित रूप से न केवल आंदोलन हो रहा है बल्कि वैकल्पिक कानून भी केरल की विधानसभा ने पास किया है। अभी 16 जो सब्जियां केरल में पैदा होती है उनका लागत से 20 गुनी कीमत उन्होंने तय की है। उससे नीचे कोई सब्जी बिकेगी तो केरल की सरकार उसको खरीदेगी और खरीदने के बाद आम उपभोक्ता को भी सस्ते में वापस बेचेगी। किसान भी बचेगा और आम उपभोक्ता भी इस लूट से बचेगा। और आपको यह सुन के आश्चर्य होगा कि जो MSP चावल की जो MSP है उससे 950 रुपया प्रति क्विंटल केरल की सरकार देती है और आज भी 14 वस्तुएं PDS में केवल और केवल केरल की सरकार है जो केंद्र केवल चावल देता है लेकिन वहां की सरकार काम करती है, न केवल वो करती है बल्कि जितने पब्लिक सेक्टर थे वो सब के सब आज की तारीख में मुनाफे में। तो निश्चित रूप से केंद्र की सरकार ने जो देश के किसान को, व्यापारी को और आम उपभोक्ता को लूटने की जो छूट कंपनियों को दी है, मैं समझता हूँ राजस्थान की सरकार अगर बिल लेके आती है और जो MSP जो हमारी देश की सरकार कह रही है कि MSP जारी रहेगी, तो ये कानून राजस्थान की सरकार बनाती है कि जिनकी केंद्र सरकार ने MSP घोषित कर रखी है राज्य सरकार से। अमराराम जी, सवाल ये है कि क्या इस कानून को वह अमली जामा पहनाया जा सके? राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति तक जाएगा जब कानून जी ऐसा तो नहीं बनाया जा सकता। विधानसभा भी कानून बनाती है और देश की संसद भी कानून बनाती है और देश का संविधान इस बात का है कि कृषि पे राज्य सरकारों का राइट है। केंद्र भी कानून बना सकता है लेकिन राज्य भी कानून बना सकता है। इसमें का मनाई है कि राजस्थान की या किसी भी देश की प्रांत की विधानसभा कानून नहीं बना सकती खेती के लिए। मैं लौटूंगा आपके पास। जमीन के लिए सीलिंग कानून सब राज्य सरकारों का ही बनाए हुए हैं। सीलिंग कानून है, जमीन से संबंधित है, खेती से संबंधित है, MSP से संबंधित कानून देश की सरकार ने बनाया है। मैं वापस आता है कि कानून नहीं बना सकते जी। वापस आऊंगा आपके पास में। श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ एक बार में फिर।
कानून बनाया जा सकता है। ये बात सही है कि जो अनुसूची है राज्यों को जो राइट देती है उसमें साफ लिखा हुआ है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर के लिए दिया हुआ है उसी तरह से कृषि राज्यों का विषय है, लेकिन उसमें यह भी है कि कृषि के लिए केंद्र भी अपना कानून बना सकती है, दोनों बना सकते हैं उसमें। तो ये अगर बाध्य करके अगर एक कानून बना दिया जाता है, जैसे चार राज्यों का आप जिक्र कर रहे हैं कि केरल, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़, अभी तक तो यही है, अभी जहां पे कांग्रेस का अलायंस है वो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, वो अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा। तो ऐसे में केंद्र को क्या वास्तव में बाध्य होना पड़ेगा अपने इस बिल को वापस लेने के लिए या फिर इसमें अमेंडमेंट लाने के लिए? देखिए योगेंद्र जी, राजस्थान सरकार कानून बनाएगी, लेकिन उस कानून की वैधता जब होगी जब उसमें राष्ट्रपति साइन कर देंगे, क्योंकि अभी तो हम प्रारंभिक तौर पर हैं। अभी देखिएगा, अमराराम जी खुद कह रहे थे कि केरल ने एक प्रावधान किया है कि अगर सब्जियों का उनको लागत नहीं मिलेगी तो सरकार खरीदेगी, या चावल का MSP नहीं मिल पाती है तो 950 रुपए सरकार देती है। तो राजस्थान सरकार भी फिर प्रावधान करे कि गेहूं अगर सही नहीं बिकेगा, कम बिकेगा, तो हम उसका पैसा देंगे। यही तो कह रहे हैं, MSP पे हम खरीदेंगे। MSP पे अगर राजस्थान सरकार खरीदने के लिए तैयार हो जाती है, फिर मक्का भी खरीदे, बाजरा भी खरीदे। ये बहुत सारी चीजें पेचीदगी है। अब देखिए कानून में आप चर्चा करेंगे। श्याम सुंदर जी, अभी MSP बाजरे की 2250 है और 1100 में बिक रहा है, न मोदी खरीद रहा और न गहलोत खरीद रहा। मैं तो अमरा राम जी खरीदने का काम लेकिन राजस्थान सरकार ने प्रस्ताव भी नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूँ, केंद्र सरकार केवल MSP घोषित करती है, आप खरीदे नहीं खरीदे कोई जरूरी थोड़ी ना। ये यही तो चीज है दोनों में, अब दोनों के बीच दोनों के बीच विवाद है। देखिए, आप समझौता नहीं है तो दोनों के बीच विवाद हो जाएगा। बाजरे का करेगी क्या केंद्र सरकार? दिक्कत यहाँ आ रही है, फूड प्रोसेसिंग का मामला अभी अटकता है क्योंकि उसका उपयोग किस प्रकार से हो, ये दिक्कत की स्थिति है। मक्का और बाजरा फेंकने के लिए, श्याम सुंदर जी, बाजरा फेंकने के लिए पैदा नहीं होता, बाजरा लोग खाते भी हैं, मुर्गी में भी काम आता है। और सुनो, आप अभी 4 महीने पहले 2200 बिक रहा था, ये नहीं है कि बिकता नहीं। अरे आप तो 2200 की बात करो, अगर फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लग जाए राजस्थान में, उसको अगर प्रोटीन की मात्रा में सही तरीके का उपयोग शुरू हो जाए तो 2200 की जगह हो सकता हो कि 2400 में और 2600 में भी खरीदा जाए। ये चीजें क्या है कि आपकी विवाद के विषय तो यही है कि केंद्र सरकार अपनी चलाएगी, राजस्थान सरकार अपने चलाएगी। अब केंद्र सरकार ने 3 बिल पारित कर दिए पार्लियामेंट में, अब आपको होश आ रहा है कि भाई हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, कांग्रेस ने उठाया था मामला लेकिन बने ही नहीं बात, इसलिए हम अपने अपनी राज्य सरकारों कह रहे कि आप देखिए सड़कों पे तो विरोध कर रहे हो, विधानसभा में इसका सामूहिक रूप से विरोध करके प्रकट करो कि हम नहीं चाहते। कल बीजेपी भी तो आप वहां पे खड़ी है, बीजेपी तो कहेगी क्योंकि आप तो कांग्रेस अलायंस के साथ हो इसलिए आप कांग्रेस की बात अभी समर्थन कर रहे हो, अगर बीजेपी के साथ होते तो बीजेपी की बात करते। आप देखिएगा, श्याम सुंदर जी, अगर बाजरा 2200 का आज मोदी खरीदता है तो धन्यवाद दूंगा मैं कांग्रेस की। अगर बाजरा राजस्थान का 25% भी खरीदते हैं ना तो धन्यवाद दूंगा, अलायंस की बात नहीं है, कोई अच्छा काम करेगा तो धन्यवाद। मैं यही कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कल जब ये कहे कि सरकार बाजरा भी खरीदेगी, मक्का भी खरीदेगी, चावल भी खरीदेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जा रहे। मोदी जी बताई हुई थी आपके पास, हरिमोहन जी के पास जाना चाहूंगा। हरिमोहन जी, आपके पास आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में जाए फिर विधानसभा में करके क्या करेगी? चलिए मैं हरिमोहन जी के पास जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है। हरिमोहन जी, आपके पास आ रहा हूँ मैं एक बार। क्या लगता आपको, जैसे श्याम जी अभी भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, और MSP आप बाध्य तो कर देंगे कि इससे नीचे नहीं खरीदेंगे, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि कोई कहेगा कि नहीं MSP भी मुझे खरीदना नहीं है, मेरे नहीं पोसाएगा इतना। अभी जैसे अमराराम जी कह रहे हैं कि 2200 रुपए MSP है और 1100 में बाजरा बिक रहा है, ऐसे पोजिशन में क्या होगा कि व्यापारी अपने हाथ नहीं कटवाना चाहेगा, वो कानून के शिकंजे में नहीं जाना चाहेगा, फिर उस क्रॉप का क्या होगा, उसकी गारंटी सरकार लेगी या बिल में दे रहे हैं ये? अगर MSP तय की है भारत सरकार ने, और उस सरकार ने जो तय की है तो भारत सरकार को उस रेट के हिसाब से उनको खरीदना चाहिए।
लेकिन हो सकता है कि संभव ना हो कि पूरे देश में जितनी भी पैदावार हुई उसको खरीद पाए, लेकिन राजस्थान सरकार ने जो उसमें संशोधन किया है वो संशोधन यही तो है कि कोई भी कॉरपोरेट, कोई भी संस्था किसी भी प्रकार का अगर एग्रीमेंट वो करती है तो उसको एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से ही कम कीमत नहीं देना पड़ेगा, नहीं तो एग्रीमेंट मत करो। तो जो एग्रीमेंट का जो सवाल है उसमें तो ये प्रतिबंध है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से अगर कम में कोई खरीदेगा तो ऑफेंस होगा। या एग्रीमेंट किसी ने किया है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में एग्रीमेंट किया तो भी वो ऑफेंस होगा। तो सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने जो कानून में जो संशोधन किया है वो केंद्र सरकार के द्वारा एमएसपी जो तय की जाती है उस तय की हुई रेट से कम नहीं खरीदने को अपराध माना है। तो या तो अपने रेट को जो भी करना है वो भारत सरकार करे, भारत सरकार खुद इस बात से फिर तैयार नहीं है उन कानूनों में। तो उनको अपने रिसोर्सेज के हिसाब से उसको खरीदना भी चाहिए, और वो नहीं खरीदने का प्रावधान है उसी का विरोध है। नहीं खरीदने का जो प्रावधान किया है उसी का तो विरोध है सड़क पर जी। चले एक अमराराम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार मैं, अमराराम के पास जाना चाहूंगा एक बार मैं। अमराराम जी एक बड़ा पेच है इसमें भी, जैसे मैं डिबेट सुन रहा था पार्लियामेंट की भी, कि अगर एमएसपी तय किया हुआ है, एमएसपी पे आज भी मुझे लगता है कि दहाई का आंकड़ा भी कई क्रॉप तो ऐसी है कि जिसमें छू नहीं पाए, खासकर राजस्थान से बाजरे की बात कर लीजिए आप, और दूसरी फसलें भी नहीं खरीद पाते हैं। ऐसे में होगा क्या एमएसपी से नीचे अगर कानूनन अगर खरीदेंगे आप तो जो राज्य सरकारें लेके आ रही हैं तो व्यापारी उसमें फंसता है, तो फिर होगा क्या वो फसल नहीं बिकेगी? ऐसा है योगेंद्र जी, देश में हमारे प्रधानमंत्री जी 2014 में आए नरेंद्र मोदी जी, और आपने सांत्वना कुमार कमेटी बिठाई थी कि न एमएसपी पे खरीदना पड़े और न राशन में बांटना पड़े। गरीब को तो ये कहें कि अभी राशन में सड़ा गड़ा आता है, इसलिए आप अपनी मर्जी से फार्मी गेहूं खरीदिए। और उस कमेटी का मतलब भी जब टर्म कंडीशन शांतनु कुमार कमेटी की यही थी कि न खरीदना पड़े और न बांटना पड़े, नगद दे देंगे। इसका मतलब है कि पूरा व्यापार खाद्यान्न का और आवश्यक वस्तुओं का, जो हमारे खाद्यान्न ये जो आवश्यक वस्तु नियंत्रण कानून था, इसमें जितने 130 करोड़ लोगों के जिंदा रहने के लिए जो चीजें हैं उनका व्यापार खुले रूप से बड़ी बड़ी कंपनियां किसान को खरीदते वक्त लूटे हैं और आम उपभोक्ता को वापस देते वक्त लूटे हैं, और बहुत बड़ी लूट, मतलब 6 महीने में आप जितना पैसा लगाओगे उससे ज्यादा लूट हो जाएगी, इससे बड़ी लूट का आधार नहीं हो सकता। इसलिए शांतनु कुमार कमेटी इसलिए बैठाई थी और उसी के आधार पे कानून। आप बताइए कोरोना में ऐसा कौन सा, कोरोना के लिए तो नहीं ले गए ये अध्यादेश ऐसी इतनी जल्दी क्या थी? और जब किसान वो कह रहे हैं कि किसानों के पक्ष में, तो कौन सा किसान संगठन है इस देश में किसानों के संगठन है, किस संगठन ने ये मांग की थी? जी जी, चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए मैं पूरी अगर बात करना चाहें, हमने बीजेपी को भी कॉल किया था, बीजेपी ने जैसे विरोध की बात कही है, विधायक दल की बैठक में भी ये बात सारी की गई है। विरोध तो, किसानों की दुश्मन है वो, तो इससे ज्यादा बुरा कानून और क्या होगा देश में? तो ये बनाने जा रही है राज्य सरकार, अब वो किस तरह से रहेगा, क्या रूप रहेगा, वो तमाम जो चीजें हैं हाउस में आने के बाद में उस पर और हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये चर्चा को हम विराम देंगे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।